चांदी सेना को लेकर आधी रात को इमोशनल हो चुकी है चाहत पांडे। विवियन के साथ विवियन ने टाइम गॉड बनते ही जो है काफ़ी सारे बड़े फैसले लिए, काफ़ी सारी ड्यूटीज जो है विवियन ने बदली। लेकिन वहां पर विवियन और जो शहजादा है उनकी नोकझोंक हुई, जिसमें चाहत पांडे भी घुस गई और चाहत पांडे के साथ भी थोड़ी बहुत नोकझोंक है विवियन की हो गई, जहाँ पर रजत ने जो है और आग लगाई। अभी विवियन ने जो है अविनाश ने विवियन ने क्लियर कर लिया है आपस में बैठ कर कि चाहत पांडे ये लोगों से अभी वो लोग कुछ उंगलियां ये नहीं करेंगे बहसबाजी। अभी श्रुति का और रजत है उनका टारगेट। यहाँ पर ये सब चीज़ें होने के बाद चाहत पांडे अकेले में बैठी हुई दिखाई दी, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चाहत पांडे सोच रही थी। विवियन भी यहाँ पर आकर जाते हैं, लेकिन विवियन ने यहाँ पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि चाहत पांडे इसलिए सोच रहे हैं, चाहत पांडे को काफ़ी ज़्यादा भड़का रहे हैं शहजादा अरफिन कि विवियन कैसी टोन में बात करता है ये वो बोल के, जहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि चाहत पांडे अभी कंफ्यूज हो गई है कि विवियन के साथ इनको अभी दोस्ती रखनी चाहिए या विवियन के अगेंस्ट जो है चाहत पांडे को जाना चाहिए।